हेलो फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास गूगल एडसेंस अकाउंट का पिन नहीं पहुंचा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप घर बैठे बड़ी ही आसानी से अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को वेरीफाई करा सकते हैं, वो भी बड़ी ही आसानी से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। तो सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं हम अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में। आप भी अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में लॉगिन कर लें। तो हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो बैलेंस है वो $10 से ऊपर एक्सीड हो गया है। जैसे ही आप $10 क्रॉस करते हैं आपको गूगल पिन वेरिफिकेशन भेज देता है, लेकिन हमें अभी तक नहीं मिला है। रिसेंटली हमने 10 जून 2018 को क्रिएट किया था अपना पिन और उसे 2 से 4 हफ्ते लग जाते हैं आपके एड्रेस तक पहुंचने के लिए, लेकिन 4 महीने बीत गए हैं अभी तक हमारे पास पिन नहीं आया। तो आपको अब आगे क्या करना है मैं आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूं। आप देख सकते हैं ये एक आपको अलर्ट देखने को मिलता है रेड कलर में और यहां पे साथ ही में आपको एक्शन बटन मिलता है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने मोस्ट रिसेंटली अपना पिन कब जनरेट किया था। 10 जून 2018 को हमने जनरेट किया था और नीचे की साइड आपको देखने को मिलता है यहाँ पे आपका एड्रेस। मैंने एड्रेस को भी 2-3 बार अच्छे से अपडेट किया था और फिर अप्लाई किया था। अगर आपको पिन मिल जाता है तो आप यहाँ पे डाल के सबमिट कर सकते हैं। आपने जब भी पिन जनरेट किया है तो 4 हफ्ते से ऊपर हो जाए तो आपको यहाँ पे क्लिक करके इस फॉर्म को भर के अपना पिन वेरिफिकेशन करा लेना है। तो ये है अपना पिन, यहाँ पे आपको डालना है नाम और नीचे की साइड आप देख सकते हैं कि पहले से ही ईमेल एड्रेस आपका डला हुआ है और नीचे यहाँ पे आपको डालना है एडसेंस पब्लिशर आईडी और एक आपको गवर्नमेंट आईडी या फिर आईडी प्रूफ यहाँ पे सबमिट करके इसे सबमिट कर देना है। तो चलिए फटाफट हम यहाँ पे इसको फिलअप कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे डालना है अपना नाम, तो हमारा नाम हम डाल लेते हैं राजकुमार, जो भी आपका नाम हो वो डाल लें। और नेक्स्ट आपको डालना है यहाँ पे एडसेंस पब्लिशर आईडी। इसके लिए आपको गूगल एडसेंस में जाना होगा, सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद में आप देख सकते हैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन, आपको इस पे क्लिक करना होगा और उसके बाद में आपको जाना होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिशर आईडी PUB और फिर उसके बाद में नंबर, इसको आप यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने इसे कॉपी कर लिया है। जैसे ही आप कॉपी कर लेते हैं वापस चलते हैं हम उस फॉर्म की ओर जहाँ पे हमें यह सबमिट करना है। तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, तो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। और उसके बाद में हमें यहाँ पे एक देना है अपनी आईडी, जो कि आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड कुछ भी सबमिट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लिया है और जैसे ही आप एक सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद में इसे अपलोड हो जाने दीजिए सक्सेसफुली। और जैसे ही ये अपलोड कंप्लीट हो जाता है आप एक बार क्रॉस चेक कर लें जो भी इन्फॉर्मेशन आपने भरी है वो सही है, नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल एड्रेस, एडसेंस पब्लिशर आईडी और सब कुछ सही है, तो आप इसे सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए सबमिट कर दिया है हमने सक्सेसफुली। The form has been submitted to AdSense support. तो यहाँ पे हमारा फॉर्म है सबमिट हो गया है, 24 आवर के अंदर आपको एक ईमेल मिल जाएगा। तो चलिए हम अपना ईमेल एड्रेस ओपन कर लेते हैं। तो AdSense की तरफ से एक ईमेल आ गया है हमें, तो चलिए इसे भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थैंक्स फॉर सेंडिंग योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और आपका जो AdSense अकाउंट है वेरीफाई कर दिया जाएगा 24 आवर्स के अंदर या 48 आवर्स के अंदर। और आपको होम स्क्रीन पे जो मैसेज देखने को, अलर्ट देखने को मिलता है वो 48 आवर्स के अंदर डिसेबल हो जाएगा। तो चलिए अब फटाफट से चलते हैं गूगल एडसेंस की ओर और देखते हैं कि हमारे अकाउंट से वो डिसेबल हुआ है या नहीं। तो चलते हैं एडसेंस की ओर। तो हमने यहाँ पे होम बटन पे दबाया है और उसके बाद में आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे किसी भी टाइप का अलर्ट देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली अच्छे से अपना एडसेंस वेरीफाई करा लिया है। अब आप बड़ी ही आसानी से अपना पेमेंट रिसीव कर पाएंगे अपने सीधे बैंक अकाउंट में वायर ट्रांसफर के थ्रू। तो दोस्तों, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा सभी कमेंट्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड।